हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वान स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4, जो कि है पार्टनरशिप। ये एक कंप्लीट सेशन होगा, इसके कोई पार्ट्स नहीं होंगे। इस एक वीडियो में ही आपको पार्टनरशिप के सारे जो हैं पार्ट कंसेप्ट्स वो आपको समझा दिए जाएंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं। ये रहे डायरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए और किसी भी अपडेट को मिस मत कीजिए। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसमें से हम परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन ये जिस चैप्टर कर चुके हैं, आज हम चौथा चैप्टर करने वाले हैं जो कि है पार्टनरशिप। और ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में। ये जो नितिन सर की प्लेलिस्ट मिल रही है, इस प्लेलिस्ट में आपको वो सब टॉपिक्स मिलेंगे। तो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। इसका एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें तीन टर्म्स होंगी, कैपिटल जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे, टाइम और प्रॉफिट। ठीक है, तीन टर्म होंगी, इन्हीं तीन टर्म पे पूरा चैप्टर बेस होगा। तो कैपिटल के साथ जब हम टाइम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिकली वो प्रॉफिट नहीं होगा, हमें उसको रेशियोज़ में कन्वर्ट करना होगा और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पर फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए बी सी जो है वो उन्होंने बिजनेस शुरू किया 26,000, 34,000 और 10,000 लेके। ठीक है, अब कितने एक साल के लिए उन्होंने ये जो पैसा है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक साल के एंड में उनको 3,500 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। अब इन्होंने पूछा है कि बी का शेयर क्या है उस प्रॉफिट में। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपको पता है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो आप पैसा कमा रहे हो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। वैसे ही सबसे ऊपर लिखा हमने कैपिटल, नीचे लिखा हमने टाइम। तो टाइम हमें पता है 1 ईयर ही है, कैपिटल हमने ए का लिखा 26,000, बी का 34,000 और सी का 10,000। 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे प्रॉफिट भी वही आ जाएगा, 26,000, 34,000, 10,000। इसको जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी रेशियोज आ जाएंगी 26, 34, 10, जिसको और शॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13:17:15। अब ये जो रेशियोज आई हैं, ये है हमारी प्रॉफिट की रेशियो, और हमें प्रॉफिट की, टोटल प्रॉफिट की एक एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है जो कि है 3,500। तो हम इन रेशियोज़ को ऐड कर दें, इन रेशियोज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशियो में टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और एग्जैक्ट वैल्यू में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम कंपेयर कर लेंगे। तो वही हमने इनका सम किया, तो हमारे पास 13+17+15 को सम करने के बाद आया 35। ये आ गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू में, और एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास 3,500। तो जब हमने कंपेयर किया 35 की, हमने 3,500 से कंपेयर किया, 1 की वैल्यू आ गई 100 रुपीज़। अब उन्होंने पूछा कि बी का क्या प्रॉफिट है, तो रेशियो में देखिए, बी के आपको दिख रहा है 17 यूनिट्स आ रहा है रेशियो में। तो जब हम 17 यूनिट्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि होगा ₹1,700। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम दो बंदे हैं, उन्होंने अपने जो प्रॉफिट जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर लिया, जो कि थी 2:3 की रेशियो में। अब इन्होंने क्या है, एक साल के लिए अपने जो मनी है उसको इन्वेस्ट किया था, जिसमें से राम की कैपिटल थी 30,000। तो श्याम की कैपिटल क्या होगी, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमने वही लिखा, राम की कैपिटल 30,000 सबसे लास्ट में दी हुई है, एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, शाम की हमने एक्स मान ली और उसको भी एक साल के लिए इन्वेस्ट कर लिया। तो अब इनका प्रॉफिट क्या होगा, वही मल्टीप्लिकेशन, 30,000 × 1 आ गया राम का, एक्स इंटू 1 आ गया शाम का। रेशियोज़ में कन्वर्ट करेंगे, 30,000 × x आ गई इनकी रेशियो। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इनके जो प्रॉफिट था, ये भी जो हमने लिखा ये रेशियो, ये प्रॉफिट की तो रेशियो है, और इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दी है प्रॉफिट की रेशियो जो थी 2:3 थी, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में थी। ठीक है, अब इनको हम कंपेयर कर लेंगे, 30,000/x को हमने जब कंपेयर किया 2/3 के साथ, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45,000, और वही x की वैल्यू क्या है, वो है शाम की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए स्टार्टेड बिजनेस विद ₹4,500 एंड बी ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स विद ₹3,000। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, देन बी ज्वाइंड ए आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। यानी कि ए की इन्वेस्टमेंट दी है, बी की इन्वेस्टमेंट दी है, एंड में उनके प्रॉफिट का रेशियो दी है, जो कि उसकी उनकी इन्वेस्टमेंट और टाइम जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से ही होगा। तो हम चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। वैसे ही हमने क्वेश्चन शुरू किया, ए की हमने 45,000 नहीं है, 4,500 है, वैसे ही बी की 3,000 है। तो ए का टाइम आ गया 12 months। इस बार हमने वन ईयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पे मंथ्स की बात चल रही है, क्योंकि बी ने कुछ मंथ्स के बाद ए को ज्वाइन किया, तो बी के हमने ले लिया एक्स मंथ। अब इनका प्रॉफिट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,500 × 12 और 3,000 × x। जब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 18:x। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि ये वही रेशियो है जो क्वेश्चन में दी हुई है 2:1 की फॉर्म में। तो 18/x को जब हम 2/1 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा, देन बी ज्वाइंड ए आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, यानी कि बी ने ए के काम शुरू करने के कितने मंथ्स बाद ज्वाइन किया है।
इसमें एक्स क्या है, इसमें एक्स वो चीज़ है कि बी ने कितने मंथ्स काम किए, कितने मंथ्स बाद अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 12 मंथ्स में से बी ने कितने मंथ्स काम किए यानी कि 9 महीने काम किए उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 12 से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी कि बी ने ए को 3 महीने के बाद ज्वाइन किया था, यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने बी ने काम नहीं किया था, बी ने लास्ट के 9 महीने में काम किया था। ठीक है, और स्टार्टिंग के 3 महीनों की उन्होंने बात की थी कि बी ने ए को कितने मंथ्स के बाद ज्वाइन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बी और ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 45 और 50 रुपीज़ को लेके। ठीक है, 4 मंथ के बाद ए ने अपना आधा पैसा निकाल लिया, लगाए कितने थे, अच्छा 6 महीने के बाद बी ने भी अपना पैसा निकाल लिया, तो सी ने, अच्छा ये 6 महीने की बात चल रही है, 6 महीने के बाद जब बी ने अपना आधा पैसा निकाला तो सी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया 70 रुपये के साथ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। वैसे ही हमने लिखा ए बी सी लिखे, उसमें से ए की कैपिटल है 50, बी की है 45। अभी हमें सी की नहीं पता, पहली लाइन के अकॉर्डिंग तो हमें सी की नहीं मिली। ठीक है, अब पहली लाइन खत्म हो रही है कि आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रा हाफ ऑफ इट्स कैपिटल, तो 4 महीने तो उसने 50 से ही काम चलाया है ना, तो 4 महीने हम 50 से लिख देंगे और 4 महीने के बाद उसने हाफ कर ली तो यानी कि 25 आ गया उसका। अब 25 उसने कितने महीने यूज़ की है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो 25 आ गया यहाँ पे लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, आफ्टर 6 मंथ बी विड्रा हाफ ऑफ इट्स कैपिटल, यानी कि पहले 6 महीने तो बी ने अपने जो 45 रुपीज़ है उन्हीं से काम चलाया तो उसके बाद ही हाफ किया ना, तो पहले 6 महीने के लिए हम 45 × 6 लिख देंगे बी के लिए और उसको हाफ कर देंगे, 22.5 आ जाएगा उसका नेक्स्ट पोर्शन। अब 22.5 उसने कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है ये हम आगे देखेंगे। अब बात चली है आगे, आफ्टर 6 मंथ बी विड्रॉ हाफ ऑफ इट्स कैपिटल एंड सी जॉइंड द बिजनेस विद ₹70। अब यहां बात चली है कि वही 6 महीने जब जिसमें बी ने अपनी हाफ कर दी, सी ने ज्वाइन किया बिजनेस ₹70 के साथ, तो सी का हमने 70 डाल दिया। अब आपको दिख रहा है कि इतनी ही स्टेटमेंट दी हुई है और लास्ट क्वेश्चन लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो यानी एक साल की बात चल रही है यानी 12 महीनों की बात चल रही है। अगर ए ने पहले 4 महीने में 50 लगाया तो 25 कितने महीनों के लिए लगाया होगा, 8 महीनों के लिए। वैसे ही बी ने 22.5 कितने महीनों के लिए लगाया होगा, 6 महीने के लिए, और सी ने तो काम ही 6 महीने के लिए किया। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 50 × 4 + 25 × 8, क्योंकि पहले 4 महीने के लिए 50 और लास्ट के 8 महीने के लिए आधी कर दी। वैसे ही 45 × 6 + 22.5 × 6, पहले आधे साल के लिए 45 और उसके अगले आधे साल के लिए 45 को आधा कर दिया और 70 × 6, तो 50 × 4 करेंगे 200 आएगा, 25 × 8 करेंगे 200 आएगा, तो ए का हो गया 200 + 200। वैसे बी में देखेंगे 45 × 6, अब देखिए 45 × 2 होता है 90, अब 6 जाना है तो उसको 3 बार कर देंगे तो 93 × 270। वैसे 22.5 × 6, 22.5 को जब हम डबल करेंगे तो 45 ही बनेगा, अब 45 को 3 टाइम्स करेंगे तो 135 बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा 270 + 135, और 17 × 6 तो सबको मल्टीप्लाई करना आता है 420। तो ये आगे इनके प्रॉफिट, जब इनका टोटल किया तो ए का प्रॉफिट आ गया 400, बी का आ गया 405 और सी का 420। अब इनकी रेशियोज निकाली तो 80:81:84 आ गई इनकी रेशियोज। अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द, यही चीज़ पूछी हुई है, इन्होंने रेशियो ही पूछी हुई है, तो हमारा आंसर आ गया 80:81:84 इज आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5,000 and ₹3,000 रिस्पेक्टिवली, ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी। अब देखिए ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया, ए ने 5,000 लगाए, बी ने 3,000 लगाए। अब इन्होंने कहा कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर भी है, जिसकी वजह से जो भी उनको प्रॉफिट आएगा, ए ने कहा कि उसका 20% तो मैं सीधा अपनी सैलरी ले जाऊंगा। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट चीज़ कही कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। साल के एंड में ए ने 3600 मोर कमाए हैं बी से। ठीक है, सिर्फ 3600 नहीं कमाए हैं, बी से 3600 ज़्यादा कमाए हैं, तो उन्होंने कहा है कि टोटल प्रॉफिट बताइए। ठीक है, अब इन्होंने कहीं पर भी टाइम मेंशन नहीं किया, जब भी आपके क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं किया ना आप बाई डिफॉल्ट से 1 ईयर मान लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। वैसे ही लिखा ए लिखा 5000, बी लिखा 3000 और टाइम दिया नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट हमने मान लिया 1 ईयर, प्रॉफिट वही हो गया जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी और उसकी रेशियो आ गई 5:3। अब आपको देखिए 5:3 जो है इनका सम करेंगे तो 8 यूनिट आ गया, 8 यूनिट आ गया रेशियो में उनका टोटल प्रॉफिट। अब हमें पता है कि प्रॉफिट जो है वो खुद में 100% ही होता है, प्रॉफिट तो खुद में 100% ही होता है, उसमें से 20% तो ए कह रहा है मैं अपना सैलरी में ले जाऊंगा, तो यानी कि जो डिवाइड होगा ए और बी में उनकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वो कितना परसेंट होगा, वो होगा 80%। ठीक है, तो 8 यूनिट जो है आपने देखा कि ये भी तो डिवाइड ही हो रहे हैं, 5:3 की रेशियो है ना, तो ये 8 यूनिट डिवाइड ही हो रहा है, तो 8 यूनिट की ही वैल्यू होगी 80%। समझ आई, देखिए ठाटा कर ले। देखिए हमने क्या किया,
इन्वेस्टमेंट की ही रेशियो निकाल ली, और इन्वेस्टमेंट की ही रेशियो में जो चीज़ उनको प्रॉफिट मिलना था वो कितना था, वो 100% में से 20% निकाल देना था, क्योंकि 20% ए जो है वो अपनी सैलरी ले लेगा। जब हम 100% में से 20% निकाल देंगे तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा 80%। ठीक है, 100 - 20 = 80। और उन्होंने कहा है कि यही जो 80% है वो डिवाइड होगा उनमें उतने ही रेशियो में जितनी रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो उतनी रेशियो में हमारे पास क्या आ रही है उनकी प्रॉफिट, उतनी रेशियो में हमारे पास आ रही है 5:3। इसीलिए 8 यूनिट्स की वैल्यू इस बार 80% होगी, 100% नहीं होगी, क्योंकि 8 यूनिट्स हैं वो डिवाइडेड है उनकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, और 80% जो है वो भी डिवाइड होगा उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 80%, तो 100% यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 10 यूनिट्स का हुआ होगा। ठीक है, तो ए ने उस 100% में से 20% अपनी सैलरी ले ली। अगर टोटल 100% की वैल्यू है 10 यूनिट, तो बी तो ए ने अपनी जो 20% लिया होगा 10 यूनिट्स में से, तो कितना उसने सैलरी ली होगी, 2 यूनिट्स की उसने अपनी सैलरी ले ली होगी। ठीक है, तो 2 यूनिट्स उसने सैलरी में लिया, और उन्होंने बाकी की बात की है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 5 यूनिट्स उसने लिया अपना शेयर, क्योंकि 5000 उसने इन्वेस्ट किया था, रेशियो में 5:3 बन रहा था जिसमें से ए की वैल्यू थी 5, तो 2 यूनिट्स उसने लिया सैलरी, 5 यूनिट्स उसने लिया अपनी शेयर जो इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से। तो ए का टोटल शेयर कितना हो गया, ए का टोटल शेयर हो गया 7 यूनिट्स, और बी का टोटल शेयर कितना हो गया 3 यूनिट्स, क्योंकि 10 यूनिट्स टोटल था जिसमें से ए ले गया 7, तो बी के पास कितना बचा, 3 यूनिट्स बचा। अब उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए। उन्होंने कहा है कि इन दिस प्रोसेस ए रिसीव 3600 मोर देन बी, तो हमें रेशियो में भी देखना है कि ए को बी से कितना ज्यादा मिला। ए के है 7, बी का है 3, तो दिख रहा है सामने सामने कि ए को बी से 4 यूनिट्स ज्यादा मिला। क्वेश्चन रेशियो में आ गया हमारे पास 4 यूनिट्स, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 3600। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 900। उन्होंने पूछा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट्स नहीं था, टोटल प्रॉफिट था 10 यूनिट। मैंने आपको बताया कैसे, तो 10 यूनिट 1 की वैल्यू है अगर 900, तो 10 यूनिट की वैल्यू होगी 9000 रुपीज, जो होगा हमारा टोटल प्रॉफिट। 6th क्वेश्चन पर आते हैं अपने। ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली, एंड अग्रीड दैट 70% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट डन बाय देम। ठीक है, इफ वन पर्सन गेट्स रुपीज 90 मोर देन अदर, फाइंड टोटल प्रॉफिट। अब उन्होंने क्या किया, 50,000 और 70,000 ए और बी ने इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्होंने कहा इसका 70% जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा इन दोनों में। ठीक है, जो इक्वली डिवाइड हो गया उसको पे हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें इन्वेस्टमेंट के उन्होंने बोला है कि आगे जो 30% है वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड हो रहा है, तो हम उस 30% पे ही काम करेंगे, क्योंकि 70% अगर इक्वल डिवाइड करेंगे तो 35% ए को मिल गया, 35% बी को मिल गया। जब हम बी माइनस ए करेंगे 35-35, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम 70% को भूल ही जाएंगे, हम काम करेंगे सीधा 30% पे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। वैसे ही लिखा 50,000, 70,000, 1 ईयर, क्योंकि टाइम हमें मेंशन नहीं है तो हमने बाय डिफॉल्ट 1 ईयर मान लिया, और इनकी रेशियो आ गई 5:7। ठीक है, 5:7 आ गई इनकी रेशियो। अब ये 5:7 क्या होगा, मैंने आपको बताया 70% तो सीधा सीधा हाफ हो जाएगा, तो ये 5:7 जो उनकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिवीजन होनी थी वो होगी 30% की, क्योंकि 70% जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इनमें। ठीक है, तो ये इसमें दिख रहा है कि हमें क्वेश्चन में भी कहा है कि वन पर्सन गेट 90 मोर देन अदर, फाइंड टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया 100%, अभी हम काम कर रहे हैं सिर्फ 30% में, और रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है प्रॉफिट की उसके हिसाब से बी को ए से 2 यूनिट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। वन पर्सन गेट रुपीज यानी इन 2 यूनिट्स की वैल्यू होगी 90, 2 यूनिट्स की वैल्यू होगी 90, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 45। तो टोटल जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो हम इसका वो एडिशन मतलब 7 और 5 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गए 12 यूनिट्स। ये 12 यूनिट्स है 30% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये 12 यूनिट्स है 30% ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि 70% तो इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो 30% ही है जो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसको सम किया, 7 + 5 आ गया 12, और उसको 45 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया कि टोटल जो 30% थी ना जो वैल्यू, उसका भाई प्रॉफिट है 540। अगर 30% की वैल्यू 540 है, तो 100% की कितनी होगी, 540 डिवाइडेड बाई 30 × 100। तो टोटल बिजनेस का प्रॉफिट आ गया 1800, जिसका 70% तो भाई इक्वल उनमें डिवाइड हो गया, और जो बचा 30% जो कि था रुपीज 540, वो डिवाइड हुआ इनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बेसिस पर। ठीक है, टोटल हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिजनेस में 1800।
अब आते हैं हमारे सेवन्थ क्वेश्चन पे। ओके, ये सेवन्थ क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें बस फ्रैक्शन में आपको रेशियोज दी हुई है और मैंने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में आपको बताया है कि फ्रैक्शन के रेशियोज को नॉन फ्रैक्शन रेशियोज में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको इसमें हाइड मेथड लगाना है, ये हिंट भी दे दिया है मैंने, ठीक है। ए बी सी के हाइड मेथड लगा के नॉन फ्रैक्शनल रेशियोज निकालो और जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से अपनी रेशियो को इक्वेट करो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। इसी के साथ हमारा जो है आज का सेशन खत्म होता है। आज का सेशन क्या पूरा पार्टनरशिप के जितने कंसेप्ट थे इसमें ही कवर हो गए हैं। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा पर एक बार समझ आ गया तो ये सबसे आसान चैप्टर है और इसका कोई भी क्वेश्चन आए उसका डिफिकल्टी लेवल यही होगा, इसके ऊपर और ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो सकता इस चैप्टर का। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर को एंड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।